लाते हर समानालय के समक्ष शनिवार को शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया गया। धरना को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रमेश उरांव ने कहा कि जो भी विद्यालय अभी प्लस टू में अपग्रेड हुआ है वहाँ बेंच डेस्क और टीचर की व्यवस्था अविलंब किया जाए। उन्होंने आगे कहा कि लातेहार में बीएड कॉलेज की मांग समेत डिग्री कॉलेज जो बनकर तैयार हैं उसे भी अविलंब प्रारंभ किया जाए। उन्होंने कहा कि उक्त डिग्री कॉलेज कागज में शुरू दिखाई गई है लेकिन व्यवस्था के नाम पर कोई सुविधा नहीं है। रमेश राव ने आगे कहा कि जिले में रिक्त पद को सरकार भरने का कार्य करें और व्याप्त छात्रों की समस्या का समाधान करें। धरना के अंत में इन्हीं विभिन्न मांगों को लेकर उपायुक्त लातेहार को ज्ञापन सौंपा गया। मौके पर दर्जनाधिक परिषद के छात्र शामिल थे। लातेहार से रामकुमार की रिपोर्ट। जो भी विद्यालय अभी प्लस टू में अपग्रेड हुआ है सबसे पहले सो बेंच डेस्क और कमरा और टीचर का व्यवस्था पहला, उसके बाद दूसरा नंबर में लातेहार में हम लोग बीएड कॉलेज की मांग कर रहे हैं और जो डिग्री कॉलेज बना है मॉडल डिग्री उसको विलम्ब जो है प्रारंभ किया जाए। एक सिर्फ कागजी पर प्रक्रिया बता दिया गया कि चालू हो गया लेकिन उस पर न तो प्रोफेसर है न हर डिपार्टमेंट का कोई प्रोफेसर है, जिसके वजह से छात्र ठगा महसूस कर रहे हैं। और यह जो है कि विशेषकर झारखंड सरकार का हम लोग एक ब्लैक दस्तावेज जारी किए हैं उसको लेके पूरे जो है कि कितना उसको जो बोलते हैं कि कितना यहाँ जो है कि वैकेंसी खाली है उसको लेके हम लोग जो है कि एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उपायुक्त को हम लोग की ब्लैक दस्तावेज एक हम लोग उनको सौंपेंगे ताकि उस पर हम लोग पूरा बताएंगे कि इस पर देखिए झारखंड सरकार में जो है किस तरह से जो है कि इतना पद खाली है उसको भरा जाए और छात्रों की समस्या किस तरह से दूर किया जाए, ये मुख्य मांगे हम लोग।